हेलो एवरीवन दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन जो आपको प्रोवाइड करता है क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एडुकेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जी हाँ कहीं भी किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर सारे ही क्लासेस का कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है और इसे आप कभी भी किसी भी वक्त हमारे चैनल से एक्सेस कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो हमारी ऐप भी या फिर आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी ओके? Okay? चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को हम बढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर वन चल रहा है विच इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छा चैप्टर नंबर वन हमारी इस फिजियोलॉजी का अदरवाइज ये चैप्टर आपका फोर्टीन है राइट right? इसके अंदर हमें आज पढ़ना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कि गैसेस का एक्सचेंज एग्जैक्टली exactly कैसे होता है सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है हमारा उसके अंदर हमारे पास कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है किस किस ऑर्गेनिज्म के पास कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो किस तरह से रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को परस्यू करते हैं देन हमने पढ़ा कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है हम इनहेल कैसे कर पाते हैं और हम एक्सल कैसे कर पाते हैं राइट right? किस तरह से किस से हमारी ब्रीदिंग होती है इनहेलेशन होता है एक्सलेशन होता है देन हमने समझा था कई सारी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को आज आपको पढ़ना है कि अब जब आपने देख लिया कि हमारे पास लंग्स हैं, लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा है उनमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जा रहे हैं उसमें आप इनहेल और एक्सेल कैसे कर रहे हो एयर अंदर एंटर कर रही है वहां तक की बात तो आपने समझ ली अब जब एयर लंग्स के अंदर एंटर कर रही है तो लंग्स में वो एयर कहाँ जाती है और कहाँ जाकर वो एयर जो है उसमें से ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रिटर्न किया जाता है मतलब गैस को एक्सचेंज किया जाता है ऑक्सीजन गैस को निकाल के उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दे दिया जाता है इसे क्या कहोगे आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज आपको यह पढ़ना है कि लंग्स के अंदर एयर तो आ गई इनहेलेशन तो हो गया अब इस इनहेलेशन में यह जो गैशियस एक्सचेंज है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी के लिए तो इनहेलेशन हुआ था इसी गैशियस एक्सचेंज को आज आपको पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर विच इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्लियर है यह बात क्लियर है क्या यह बात सभी को गैशियस एक्सचेंज आप, आप आज पढ़ोगे ठीक स्टार्ट करते हैं टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलिए देखेंगे मैंने आपको जब बताया था स्ट्रक्चर लंग्स का तो आपसे कहा था कि भाई एलवीओली सबसे लास्ट पार्ट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है है ना एलवीओली सबसे लास्ट पार्ट है पूरी जितनी भी फर्दर ब्रांचिंग ब्रांचिंग चल रही है पूरा नेटवर्क है ब्रांच नेटवर्क उसका सबसे एंड पार्ट कौन सा है एलवीओली और एलवीओली में ही होता है क्या गैस एक्सचेंज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसीलिए कहा गया है सबसे अगर आप स्टार्ट करोगे पूरे पैसेज को तो हमने पूरे पैसेज को जो है वो डिवाइड किया था दो रीजन में एक रीजन था कंडक्टिंग रीजन और दूसरा रीजन था किस चीज का रीजन ऑफ एक्सचेंज जहां पे क्या होगा एक्सचेंज होगा याद है ये फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था राइट फर्स्ट लेक्चर में न, आ, आपको ये चीज मैंने पढ़ा दी थी सेकेंड लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखा था फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पूरा पैसेज नोस्टल्स ठीक है देन आया कहां पर आपका विंड पाइप से अगर स्टार्ट करें एपिग्लॉटिस uh, से प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे देन लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे प्राइमरी ब्रोंकाई से निकले फर्दर ब्रांचेस सेकेंडरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई से निकली फर्दर ब्रांचेस टर्सरी ब्रोंकाई एंड देन उससे निकला क्या और ज्यादा ब्रांचेस विच आर ब्रोंक्योल्स ट्यूब्स जिनके एंड पर पाया जाएगा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर और वो होंगी ठीक कर लो, तो की कहानी आपका कंडक्टिंग रीजन है और एलविओली जो है वो मेन रीजन है जहां पर गैशियस एक्सचेंज होता है ठीक है एलवीओली क्या है फंक्शनल रीजन जहां पर गैशियस एक्सचेंज होता है जहां पर प्रोसेस हो रही है ठीक वो वाला साइट है वो वाला रीजन है कौन एलवीओली इसके अलावा जो बाकी की साइट है वहां पर क्या हो रहा है सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि एक पाइप है है बस इस चीज को ट्रांसपोर्ट करवा रही लेकर आ रही है लेकर जा रही है क्लियर है इतनी बात क्लियर है ना इतनी बात कंडक्टिंग रीजन और मेन जो फंक्शनल रीजन है जहां पर पूरी प्रोसेस हो रही है वो क्या है वो है आपका एलवीओली जिसके बारे में आज आप पढ़ोगे क्योंकि आज आपको पढ़ना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ये एल्विओली में ही होता है ठीक है तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं हम पढ़ना क्या करना है आपको फटाफट से सेशन को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है सभी के साथ ताकि वो लोग भी आज आके देख सके कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसे में कैसे होता है चलो फटाफट से लाइक करो एंड शेयर करेंगे ज ऑफ गैसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्सचेंज के लिए कौन है एलवीओली है एक्सचेंज ऑफ गैसे बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज ये जो गैशियस एक्सचेंज है ये ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी होता है सिर्फ एलबीओली में नहीं होता देखो ध्यान से कैसे मैं अगर ये कह रही हूं कि मैंने एयर को इनहेल किया है ना कहा गई एयर बताओ जल्दी से कमेंट करेंगे जल्दी से बिल्कुल सिंपल सा सिर्फ पैसेज से क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं सिर्फ जो मैंने अभी आपको कंडक्टिंग रीजन पूरा बताया पैसेज बताया सिर्फ उसी से क्वेश्चन पूछ रही हूँ फटाफट से बताएंगे मैंने कहा कि मैंने एयर को इनहेल किया तो एयर कहां गई मैम गई ट्रैकिया में ट्रेकिया में गई ना गई ना कोई दिक्कत बताओ ट्रेकिया से कहां गई जल्दी बताओ जल्दी बताएंगे सारे कमेंट करेंगे फटाफट से मैंने कहा कि भाई नॉस्ट्रिल से हमने एयर को लिया वो गई ट्रेकिया में अब ट्रेकिया से कहां जाएगी जल्दी बताएंगे जल्दी से कमेंट करेंगे ट्रेकिया से कहां गई देखो नॉस्ट्रिल से मैंने एयर को लिया ठीक है नॉस्ट्रिल से मैंने एयर को लिया मिड थोड़ा सा कैविटी में आके ये क्या हो गई डिवाइड हो गई किसमें प्राइमरी ब्रोंकाई में लेफ्ट एंड राइट ठीक है लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई ओके okay? अब ये जब प्राइमरी ब्रोंकाई में पहुंची मैम प्राइमरी ब्रोंकाई से फर्दर कहा गई जल्दी से बताओ ये तो हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई इससे फर्दर और कहा जाएगी ये बताओ ये मैं बिल्कुल रफली बना रही हूं इसको और थिन होना चाहिए था वैसे तो बना लेते हैं बताओ प्राइमरी ब्रोंकाई से कहां जाएगी ओ -ओ, रिंग है उसके पास वो कोलैप्स नहीं हो सकता कभी प्राइमरी ब्रोंकाई से कहां जाएगी प्राइमरी ब्रोंकाई से कहां जाएगी बताओ जल्दी से प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई से कहां अभी तक तो कमेंट सभी ने कर दिया होगा सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी टर्शरी से ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियोल्स से ब्रोंकियोल्स से एट लास्ट ठीक है बहुत सारी ब्रांचेस इसमें से निकाल दो और एट लास्ट फिर के बाद आ जाएगा कहां पर आ जाएगा एलवीओली बैग लाइक स्ट्रक्चर तक पहुंचने के बाद वाली कहानी बताओ मुझे कि Alveoli तक एयर पहुंच रही है तो एलवीओली ने क्या किया उस एयर में से ऑक्सीजन को लिया और उसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो उस एयर को दे दी यही किया एलवीओली ने एलवीओली ने उस एयर में से ऑक्सीजन को ले लिया तो गैशियस एक्सचेंज कहां पे हुआ के अंदर हुआ एलबीओली और किसके बीच में हुआ ठीक है एलबीओली के अंदर हुआ ठीक है अब यहां से जो ऑक्सीजन मिला है इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे ब्लड को दे देंगे ये जो ऑक्सीजन लिया है एयर से इसे किससे देंगे ब्लड को दे देंगे ब्लड इस ऑक्सीजन को लेगा और पूरी बॉडी में फैलाएगा ठीक है ब्लड क्या करेगा इस ऑक्सीजन को लेगा और पूरी बॉडी में फैलाएगा ठीक है ब्लड इस ऑक्सीजन को लेगा पूरी बॉडी में फैला के आ जाएगा पूरी बॉडी में फैलाएगा तो बॉडी बोलेगी अब आए हो तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाओ आए हो तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाओ क्यों क्योंकि वो सेल्यूलर एक्टिविटीज तो कर ही रही है राइट right? एक्टिविटीज करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है है तो उसको बाहर बॉडी के फेंकना जरूरी है क्योंकि वो हार्मफुल है वहां पर फिर जब ब्लड लेके गया है अलग अलग टिश्यूज के पास ऑक्सीजन को तो वो टिश्यूज से जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और ऑक्सीजन को दे रहा है तो ब्लड और टिश्यू के बीच में भी तो गैशियस एक्सचेंज हो रहा है यस और नो जल्दी बताओ जल्दी से बताएंगे ब्लड और टिश्यू के बीच में भी तो गैशियस एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ बताओ एल्वियोली में हुआ गैशियस एक्सचेंज कोई दिक्कत की बात नहीं है एलविओली में हुआ गैशियस एक्सचेंज कोई दिक्कत की बात नहीं है एलविओली ब्लड में हो गया ठीक फिर जब वो ब्लड टिश्यूज के पास गया तो क्या गैशियस एक्सचेंज वहां नहीं हुआ वहां भी तो हुआ तभी तो वो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया है ना आते में इन रिटर्न तो इसलिए ये गैशियस एक्सचेंज कहा होगा दो जगह होगा एलबीओली में भी होगा और ब्लड से टिश्यू में भी होगा ठीक है अब ये एक्सचेंज देखो गैशियो कहा हुआ एलबीओली आर द प्राइमरी साइट इसमें से प्राइमरी साइट कैसे कहोगे आप एलबीओली को कहोगे गैशियस एक्सचेंज के लिए और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये और कहा हुआ है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी हुआ है क्लियर है क्या इतनी बात क्लियर है क्या है यहां तक एक बार बताते चलो फटाफट पड़ से यहां तक क्लियर है प्राइमरी साइट कौन है है एक्सचेंज एक्सचेंज की और ऑफ गैसेस अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज इनके बीच में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होता अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ठीक है अभी तक तो हम एयर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ इनहेल करने की बात कर रहे हैं तो इनहेल तो हम सिर्फ एयर को ही करते हैं ठीक है पूरे के पूरे एयर को करते हैं सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं करते इसलिए हम अभी तक एयर बात कर रहे थे लेकिन अब बात हो रही है एक्सचेंज की तो वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है तो एक्सचेंज की जब बात आएगी तो अब आप स्पेसिफिकली बोलोगे नाम लेकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी ठीक है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज टू साइड्स बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ठीक है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है एक्सचेंज किया जाता है इन्हीं दो दो पर पर इन इन दोनों में से प्राइमरी कौन है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज किया जाता है किसकी हेल्प से सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से ये देखो सिंपल डिम्पल डिफ्यूजन को यूज करते हैं सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं इन दोनों साइड्स पर अब यहां पर जैसे हमने आपसे कहा था कि भाई आप इनहेल करते हो एक्सहेल करते हो सांस अंदर लेते हो सांस छोड़ते हो तो उस वक्त भी क्या होता है एक प्रेशर ग्रेडियंट का होना बहुत जरूरी है जो आपकी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन प्रोसेस को क्या करता है इजी बनाता है जिसकी वजह से आपकी ये प्रोसेस चलती है जिसकी वजह से आप सांस ले पाते हो सांस छोड़ पाते हो इस प्रेशर के होने की वजह से अगर ये प्रेशर डिफरेंस नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता कैसे पॉसिबल हो पाया है प्रेशर डिफरेंस की वजह से तो यहां पर भी कोई एक ऐसा फैक्टर इन्वॉल्व है जो इस गैशियस एक्सचेंज को करवाता है एयर अंदर तो ले ली लेकिन गैसेज एक्सचेंज को करवाने के लिए भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरह से अपना रोल प्ले करता है देखेंगे जल्दी से सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेज एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन इन गैसेस की सोलिबिलिटी एज वेल एज थिकनेस ऑफ इन डिफ्यूजन में जो यहाँ पर दो साइड्स अवेलेबल है, है दो साइड्स अवेलेबल है जिनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व है इन मेंस का और इन गैसेस का ठीक है इन गैसेस के लिए कौन सा फैक्टर सोलिबिलिटी और मेमब्रेन के लिए कौन सा फैक्टर थिकनेस ऑफ द मेमब्रेन ठीक है These are the factors which are involved in diffusion are also some important factors that can be affect the that can affect the rate of diffusion. ठीक है तो सिर्फ प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं ये दोनों फैक्टर्स भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को कम या ज्यादा कर सकते हैं तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए टोटल कितने फैक्टर्स हो गए प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और क्या हुआ दूसरा दूसरा फैक्टर क्या है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस solubility of gases. तीसरा factor क्या है तीसरा factor है thickness of membranes. Okay. थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स ये वो फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे कम या ज्यादा कर सकते हैं ठीक है किसे रेट ऑफ डिफ्यूजन को फैक्टर्स अफेक्टिंग ये आपका पूरा अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया ठीक है ये पूरा एक क्वेश्चन का आंसर बन गया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन ठीक है दोनों ही साइड्स पर दोनों ही साइड्स पर रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होंगे ये दोनों होंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन क्लियर है चलो देख लेंगे एक बार फटाफट पड़ से फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन आर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स कौन सी मेम्ब्रेन्स एल्वियोलर मेम्ब्रेन की भी बात आएगी टिश्यूज के मेम्ब्रेन की भी बात आएगी है ना वो सारे साइट्स जो इन्वॉल्व हैं डिफ्यूजन में उन सारी साइट्स की बात होगी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की बात हम कर रहे हैं दो साइट्स यहां पर हमारे लिए अवेलेबल है प्राइमरी साइट कौन सी है उन दोनों में से प्राइमरी साइट है एलवीओली प्राइमरी साइट कौन सी दोनों में से एलवीओली सेकेंडरी कौन सी बच गई जो बची है वही ठीक है एलवीओली और ब्लड के बीच में और ब्लड और टिश्यूज के बीच में इन दो साइड्स पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस ठीक बढ़ते हैं अब आगे की तरफ चलिए सी, प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर जो कि एक इंडिविजुअल गैस ने कंट्रीब्यूट किया है किसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर वो क्या कहलाता है उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है ठीक है क्या कहलाता है वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस ठीक है ठीके? एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें बहुत सारी अलग अलग गैसेज है उनमें से मैं कह रही हूँ कि स्पेसिफिकली एक गैस की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली मैं इस गैस की बात कर रही हूँ कि इस पूरे सिस्टम में जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है इसमें अकेली इस एक गैस से कितना प्रेशर जो है वो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है ये अकेली कितना प्रेशर यहाँ पर दे रही है उस प्रेशर को आप कहोगे उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर उसे आप क्या कहोगे उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर कहते हो ठीक है तो so क्या कहलाता है पार्शियल प्रेशर कहलाता है एंड इज रिप्रेजेंटेड एज और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज रिप्रेजेंटेड एज पी ओ टू मतलब प्रेशर ऑफ वॉट ऑक्सीजन

बताते कैसे हैं लिखने का तरीका कैसा है देख लो पी सीओ टू एंड पीओ टू अब प्रीवियस को एक बार क्लियर कर देते हैं बढ़ते हैं हम आगे की तरफ पी सीओ टू एंड पीओ टू थोड़ा और ठिक होना था पार्शियल प्रेशर पी सीओ टू एंड पीओ टू अब ये जो पार्शियल प्रेशर है इन दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर ऑफ and टू गैसेस इन द diffusion एयर एंड in table आर in एंड ठीक है एटमोस्फेरिक एयर में इन दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर कितना है ठीक है और दोनों साइड्स ऑफ डिफ्यूजन पे कितना है दोनों साइड्स ऑफ डिफ्यूजन पे क्यों जहां जाके इन्हें गैसेज एक्सचेंज करना है ठीक तो एटमोसफेयर में इन दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर कितना और दोनों साइड्स ऑफ डिफ्यूजन पे दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर कितना ये आपको इस टेबल में दिया हुआ है देखो कैसे दिया है रेस्पिरेटरी गैस गैस ओके और एयर कौन सी की बात कर रहे हैं हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं एटमोस्फेरिक एयर में इनका देखो टोटल कंटेंट यहां पर दिया है देन एलविओली में इनका पार्शियल प्रेशर कितना ब्लड जो कि कैसा है डीऑक्सीजनेटेड तो उसमें ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शल प्रेशर कितना है ब्लड जो तो कि ऑक्सीजन तो की बात सबसे पहले कर लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का कंटेंट कितना 159 पार्शियल प्रेशर है और 0.3 पार्शियल प्रेशर है किसका कार्बन डाइऑक्साइड का ठीक है एलवीओली में कितना ये पार्शल प्रेशर पहुंचेगा एटमॉस्फेयर से बहुत कम हो जाएगा 1.04 पहुंचा है एलवीओली में इनहेल करने से और जो डी ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है ठीक है बहुत ज्यादा नहीं है ठीक है कंपेरेटिवली क्या ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन की वजह से इट इज 40 और ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड है उसमें देखो अब आपके पार्शियल प्रेशर कितना होगा ऑक्सीजन की वजह से 95 ठीक और टिश्यूज में देखोगे तो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा ऑक्सीजन का 40 अब सिमिलरली देख लो आप कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कहा कितना पाया जा रहा है एटमोस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 0.3 कितनी कम है ऑक्सीजन देखो 159 इसको देखो 0.3 कितना डिफरेंस है एलवीओली -E में उसका बाद भी आप यहां देखोगे अगर तो इसका पार्शियल प्रेशर है फोर्टी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डिऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी वो होगी कितनी फोर्टी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 एंड देन टिश्यूज में इसका पार्शियल प्रेशर होगा 45 ठीक है टिश्यूज में इसका पार्शियल प्रेशर होगा कितना 45 एक बार जरा इस टेबल को देखो वैल्यूज को देखो फिर बढ़ते हैं आगे चलिए ये तो हुई कुछ वैल्यूज uh, किसकी पार्शियल प्रेशर की आगे बढ़ेंगे अब चलो बढ़िया सा सुंदर सा आहाहा ऐसा लग रहा है ही और शी को वोट देने के लिए ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन बनाया गया है राइट right? हाँ, huh? लग रहा है किसी को ऐसा मैम ये सब क्या है देखो इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर की बात कर लेते हैं ठीक है एयर अंदर आई ठीक है फिर क्या हुआ एलवीओलस की कहानी देखो एलवीओली कैसे बता दी जैसे कोई बहुत बड़ा सा फ्लास्क होना के बारे में क्या बोला? एक सिंगल के बारे में कि भाई इसके पास जो एलवीओलर एयर है उसमें जो पार्शियल प्रेशर है किसका ऑक्सीजन का देखो क्या लिखा है डायग्राम में देखो क्या लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ एलवीओली में क्या लिखा है पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाउ मच वन जीरो फोर एम एम एच जी अरे 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 वन जीरो फोर था मैम वन और जीरो खा गए आप वन जीरो फोर एम एम एच जी पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना इट इज फोर्टी एम एम एच जी इट इज फोर्टी एम एम एच जी ओके okay. ये इनका पार्शल प्रेशर हो गया अब क्या हो रहा है जब इंस्पायर्ड एयर अंदर आई ठीक अब यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे चलेगा देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से दी जा रही है वापस एलबियोली को और यहां से से ऑक्सीजन को लिया जा रहा है ऑक्सीजन को लेके कहा जा रहे हैं पहले अपन ये देख लेते हैं है ना? पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहा जा रहे हैं वो देख लेते हैं सी, तो ये क्या है पल्मोनरी वेन मैंने आपसे कहा था पल्मनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन पल्मोनरी पल्मनरी कहीं भी आए तो मतलब क्या मतलब मतलब बताओ लंग्स की बात ये देखो ये पल्मोनरी गया किधर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पिंक वाला डिपार्टमेंट गया किधर ये गया मैम जो एक मशीन है ना आपने बताया था मोटर होती है मोटर पंप करती है ठीक है एक पंप करने वाली मोटर लगा रखी है क्योंकि ये जो यहाँ पर एल में एक्सचेंज तो करवा दिया आपने गैशियस एक्सचेंज एल में आपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो समझा दिया कि हो गया लेकिन अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ठीक है ऊपर भी लेके जाना नीचे भी लेके जाना हर जगह पहुंचाना है मैम तो इसके लिए चाहिए क्या इसके लिए उतना इनफ प्रेशर चाहिए और उस प्रेशर को डेवलप करने के लिए प्रेशर से इस चीज़ को पूरे बॉडी में सप्लाई करने के लिए एक एक सेल एक एक टिश्यू तक सप्लाई करने के लिए चाहिए हमें क्या हमें चाहिए एक ऐसा पंपिंग ऑर्गन जो कि क्या करे प्रेशर से इन चीजों को हर जगह पहुंचाए ठीक है जैसे पानी को सप्लाई करने के लिए आपके घरों में मोटर लगी होती है ताकि कितनी भी मंजिल हो उतनी मंजिल तक भी वो पानी जो है वो पहुंच जाए लगी होती है ना मोटर जो क्या करती है प्रेशर से पानी को ऊपर तक सप्लाई करवाती है सिमिलरली ये पंपिंग ऑर्गन आपकी बॉडी का प्रेशर डेवलप करता है और हर जगह तक क्या पहुंचाता है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया यहां फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रेशराइज ठीक है उसको उसको क्या करके पंप करके हार्ट ने वापस भेजा किधर भेजा किधर भेजा पंप करके ठीक है इसमें प्रेशर डेवलप करके पंप करके कहां भेजा हार्ट ने से इसे भेजा कहां सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अभी कितना है ध्यान देना इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है पार्शियल प्रेशर 95 एमएमएचजी और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 एमएमएचजी अब यह पहुंचा किस तरफ ये पहुंचा किस तरफ बॉडी के सेवरल टिश्यूज के पास बॉडी के कई सारे सारे के सारे टिश्यूज के पास पहुंचा पहुंच गया टिश्यूज के पास पहुंचा तो इन्होंने दे दी इनको कार्बन डाइऑक्साइड और सॉरी ऑक्सीजन ठीक है ये लेके गया टिश्यूज के पास क्या ऑक्सीजन और टिश्यूज ने दे दी इसे क्या कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज ने दे दी इसे क्या कार्बन डाइऑक्साइड अब ये टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर सिस्टमिक वेन्स के थ्रू टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके सिस्टमिक वेन्स के, के थ्रू जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कैसा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जहां पर प्रेशर कितना आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अब ज्यादा हो गया 45 एमएमएचजी और ऑक्सीजन का प्रेशर गिर गया हो गया कितना 40 एमएमएचजी ये सिस्टेमिक के थ्रू अब यह गया वापस से हार्ट के पास फिर से इसने इसे कर दिया पंप और पंप करके पहुंचा दिया कहा पंप करके पहुंचा दिया किधर पंप करके पहुंचाया पल्मनरी आर्टरी के थ्रू किसके पास आर्टरी के थ्रू पहुंचा दिया इन्होंने वापस से एलबीओली के पास के ये ले लो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड करवा दो इसको बाहर रिलीज हमें नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए ऑक्सीजन लाओ फिर से दे दो फिर से ले लिया ऑक्सीजन और फिर पहुंचा दिया सप्लाई करवा दिया ठीक है इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म चलता है कि जो एक्सचेंज हुआ है गैसेस का वो तो एलवीओली में हुआ है फिर उस एक्सचेंज गैस को पूरे में ट्रांसपोर्ट करवाया है फिर से एक्सचेंज यहीं पे हुआ है और फिर उस एक्सचेंज गैस को पूरे में ट्रांसपोर्ट करवाया है ये मैकेनिज्म चलेगा देख लो जरा इस डायग्राम को किसी को कोई डाउट है तो बताओ आगे बढ़ते एक्सचेंज ऑफ गैसेस की कहानी एंड देन ट्रांसपोर्ट बताओ जल्दी से कोई डाउट है किसी को जल्दी से बताएंगे और भाई अगर अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो भी जरा फटाफट से कर देंगे ठीक है चलो जल्दी से बताएंगे यहाँ तक की कहानी क्लियर है सभी को अब देखो आगे इसमें क्या होगा दिस डाटा गिवन इन टेबल जो हमने अभी पार्शल प्रेशर देखा था टेबल में इट क्लियरली अ अंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एलवीओली टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू इसमें हमें प्रॉपर दिख रहा है कि भाई जो कॉन्सेंट्रेशन है ठीक है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है कहाँ से कहाँ का एलवीओली से ब्लड का और ब्लड से टिश्यू का ठीक है ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है कि एलवीओली के पास कितना देन ब्लड में पहुंचा कितना ठीक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना टिश्यूज में पहुंचा कितना ठीक ये पूरा हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्लियर दिख रहा है पार्शल प्रेशर क्लियर दिख रहा है अब इसकी हम बात करें कि सिमिल ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन दट इज फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड एंड ब्लड टूएल्वली और जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रेडियंट है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है ऑक्सीजन का किस डायरेक्शन में है ये डायग्राम में देखा ना हमने अभी दोनों का बस डायरेक्शन अपोजिट है ये देखो इनका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है ठीक है ऑक्सीजन का कहां से कहां जा रहा है ऑक्सीजन का फ्लो कर रहा है कहां से कहां एलबीओली से ब्लड ब्लड से टिश्यू और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो कर रहा है कहां टिश्यू से ब्लड ब्लड से फिर से एलबीओली ठीक इस तरीके से डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन ये फ्लो दोनों का चल रहा है ऑक्सीजन का भी कार्बन डाइऑक्साइड का भी ये साइमल्टेनियस फ्लो ये पूरी की पूरी एक साइकिल यही है क्या एक्सचेंज ऑफ गैस इसी तरीके से हो रहा है गैशियस एक्सचेंज हमारी बॉडी में इसी तरीके से हो रहा है एक्सचेंज इसी 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 फ्लो में इसी साइकल में इसी तरह से ठीक है ऑक्सीजन का भी कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्लियर है क्या कहानी बिल्कुल सिंपल सा लेक्चर है आज का एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप और क्या रॉकेट साइंस निकाल के लाओगे यही था जो था ठीक है यही था जो था अब इसको एक बार आपको एल्वियोली के लेवल पे और समझना है कि एल्वियोली ने कैसे इसको किया िटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड इज ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव टाइम्स हायर ध्यान देना इस फैक्ट पर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की सोलिबिलिटी है वो ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव टाइम्स हायर है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन किससे ऑक्सीजन से the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen oxygen say 20 to 25 times zada and amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in a partial pressure is much higher as compared to oxygen ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इसका रेट हर तरफ से ज्यादा है इसका पॉसिबिलिटी इसका चांसेस ज्यादा है किसके कार्बन डाइऑक्साइड के सी सॉलिबिलिटी भी कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है किससे ऑक्सीजन से ठीक है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डिफ्यूज हो सकता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से वो भी क्या है ज्यादा है किसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अब ऐसा क्यों है और इससे होगा क्या इससे नुकसान क्या होगा देखो कार्बन डाइऑक्साइड की सोलिबिटी भी ज्यादा उसका डिफ्यूजन का अमाउंट भी ज्यादा ठीक है? उसका डिफ्यूजन का रेट भी ज्यादा तो यहां पर इस बात से नुकसान का खतरे का निशान क्या है वो समझना ठीक है खतरे की घंटी किधर है? देखो ध्यान से समझना द डिफ्यूजन जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो तीन अलग अलग लेयर्स की बनी हुई है एल्वियोलर लेवल पर पहले हम समझ लें एक्सचेंज को फिर मैं आपको बताऊंगी कि खतरे की घंटी किधर है क्यों कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन रेट ज्यादा होने से दिक्कत है क्यों कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी ज्यादा होने से दिक्कत है इससे क्या खतरा हो सकता है और इसके अलावा भी एक और चीज़ है जो यहाँ पर इस फैक्ट में एड होगी जिसके बारे में हम अभी समझेंगे पहले देख लेते हैं एल्वियोलर लेवल पर ये एक्सचेंज कैसे हुआ इसकी मेमब्रीन्स के थ्रू कैसे ये डिफ्यूजन हुआ ठीक है इसके बाद समझते हैं इस प्रोसेस को द डिफ्यूजन है वो तीन मेजर लेयर्स से बनी हुई है विच आर नेमली दिनियम ऑफ एल्वियोलीम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस विच इज

स्क्मस एपिथिलियम ऑफ एल्वियोली एंड एंडोथिलियम ऑफ एलविपलरी एंड बेसमेंट सब्सटेंस ठीक है यह तीनों लेयर्स हुई देखो कहां पर है यह तीनों लेयर्स यहां देख लो सबसे पहले स्क्वामस एपिथिलियम स्क्वामस एपिथिलियम क्या है सबसे थिन यह स्क्मस एपिथीलियम जो कि एल्वियोली की मेमब्रेन है ये एक सिंगल सेल्ड वाली देखो क्या लिखा है one thick. एक सिंगल सेल से बनी हुई है तो वन बाद दूसरी मेम्ब्रेन देख ले तो कौन सी है एंडोथिलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी ठीक है ये जो इसके पास जस्ट पास में ब्लड कैपिलरीज पाई जा रही है, इसे कर रही है उन ब्लड की एंडोथिलियम ठीक है अंदर वाली लेयर

और ये हो गई एंडोथिलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज ठीक है अब इन दोनों के बीच में आपको येलो पोर्शन नजर आ रहा है ये येलो पोर्शन जो है ये क्या है ये बेसमेंट सब्सटेंस है इस तरह से तीन हो गई जिनके अलोंग होना है क्या डिफ्यूजन होना है एल्वियोली में तो डिफ्यूजन इज मेड अप ऑफ थ्री मेजर लेयर्स मेंच आर नेमली द थिन स्क्वास एपिथिलियम ठीक है ये किसकी है एलविओली की थिन स्क्मस एपिथिलियम एंडोथिलियम ऑफ एलवियोल कैपिलरीज कैपिलरीज की एंडोथिलियम और इनके बीच का क्या बेसमेंट सब्सटेंस एंड द बेसमेंट सब्सटेंस व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि बना हुआ है किसका एक थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन का कंपोज्ड ऑफ अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथीलियम जो कि क्या कर रहा है ये जो थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन है इस स्क्वेमस एपिथीलियम को भी सपोर्ट कर रहा है और बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंड एंडियम सेल्स ऑफ कैपिलरीज इन बिटवीन दम ठीक है इन दोनों को ही ये क्या कर रहा है सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है दोनों के बीच में क्या बन रहा है ये एक मीडियम बन रहा है ये बेसमेंट सबसे एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी और स्क्वैमस एपिथेलियम तीनों को मिलाकर क्या बना तीनों को मिलाकर बन गई तीन मेजर लेयर्स ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इन्हीं के अक्रॉस होगा क्या डिफ्यूजन की प्रोसेस ठीक है इनके ही अक्रॉस डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी इस डिफ्यूजन के बारे में अब मैंने आपसे कहा था कि हम एक बात जानेंगे देखो यहां क्या लिखा था यहां क्या लिखा था ध्यान से समझो यहां लिखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की सोलिबिलिटी है वो 20 से 25 टाइम्स ज्यादा है ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी से ठीक है 20 टू 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन इसीलिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि डिफ्यूज होगा कहां से कहां थ्रू द डिफ्यूजन मेंस ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आपने अभी देखी इन डिफ्यूजन के अलोंग जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ये बहुत ज्यादा होगा एज़ कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ज्यादा होगा ठीक है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ज्यादा होगा क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी भी कितनी ज्यादा है 20 से 25 टाइम्स ज्यादा है किसके ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अब यहां पर बात क्या है दैट हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस फैक्टर्स इन बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज एंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू एलविओली देखो यहाँ पर ध्यान दो हम बात कर रहे हैं कि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी की, की किसके साथ हेमोग्लोबिन के साथ जो मैं आपसे कह रही थी ना कि एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर देख लेना साथ ही साथ में आप लगे हाथ पढ़ रहे हैं तो इसे भी पढ़ लो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं किस किस की हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम किस किस के कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की भी ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और कार्बन मोनोक्साइड इन तीनों की हम बात कर रहे हैं हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की क्षमता कौन सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से जुड़ा रह जाता है ये बताओ बताओ जल्दी से लास्ट है ये इस सेशन uh, का लास्ट आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन फटाफट से बताओ इंपॉर्टेंट चीज है ये इससे क्वेश्चन आते हैं हर जगह आते हैं बोर्ड से लेके नीट से लेके हर जगह आते हैं फटाफट से बताओ जल्दी से बता दो एक बार कमेंट करके कौन सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से चिपक के रह जाता है हेमोग्लोबिन के साथ फटाफट से बताएंगे तीन ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं तीनों में से सिलेक्ट करना है ग्रेटेस्ट एफिनिटी किसकी है हेमोग्लोबिन के साथ हाई एफिनिटी बताओ किसकी है किसकी है जल्दी बताओ जल्दी बताओ हाई एफिनिटी किसकी है के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की या फिर कार्बन मोनोक्साइड की किसकी है कमेंट कर रहे हो या नहीं किसकी है देखो भाई एक सब्सटेंस बनता है एक सब्सटेंस बनता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन एक सब्सटेंस बनता है एक कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो कि कैसा होता है स्टेबल होता है काफी ठीक है काफी स्टेबल होता है ये कौन बनाता है हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोक्साइड अगर जुड़ जाए तो यह स्टेबल कंपाउंड बना लेता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन को बना लेता है और यह स्टेबल होने की वजह से हेमोग्लोबिन को पकड़ के बैठ जाता है अब हेमोग्लोबिन को तो कार्बन मोनोक्साइड पकड़ के बैठ गया तो फ्री हेमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में वो बहुत कम बचता है और फ्री हेमोग्लोबिन अगर कम बचेगा तो वो ऑक्सीजन को पकड़ के कैसे लाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के कैसे छोड़ के आएगा ये तो टैक्सी है ना हेमोग्लोबिन क्या है टैक्सी है किसकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कि भाई जाते में ऑक्सीजन को लेके जाओ और आते में किसको लेके आओ वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आओ टैक्सी है टैक्सी में कोई अगर परमानेंटली बिल्कुल उसको खरीद के अपना घर बना के बैठ जाए तो बाकी लोग कैसे ट्रेवल करेंगे सिंपल सा लॉजिक कि ये स्टेबल कंपाउंड बना लेता है कार्बॉक्सी हिमोग्लोबिनकॉन कार्बन मोनोऑक्साइड और इस वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज हमने पढ़ा ये नहीं हो पाता और कई सारी बहुत ही ज्यादा डेडली को करता है ये ठीक है ये 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 इशू इशू क्लियर हुई बात इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपने आज पढ़ा है इसको रोक देता है ये क्योंकि ये उस टैक्सी को जो टैक्सी कैसी होनी चाहिए थी कि भाई आओ जाओ और फ्री करो उसको नहीं ये उसको अपना परमानेंट घर बना लेता है स्टेबल कंपाउंड उसके साथ बना के बैठ जाता है कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन बना के बैठ जाता है ठीक है ये बात आई थिंक आपको यहां पर याद रहेगी और इसी के साथ हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर आज कंप्लीट हुआ है अब इसके अंदर आपको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एक्सचेंज हो गया ना एल के अंदर अब बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है जो आपने अभी डायग्राम देखा था ठीक एक्सचेंज हो गया अब क्या करना है अब ट्रांसपोर्ट करना है अब आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सेम चैप्टर जिसके लिए आपको बने रहना है मेरे साथ और करना है क्या अपनी प्रिपरेशन भाई बिल्कुल साथ साथ चलानी है अगर कुछ भी पीछे आपने छोड़ दिया है तो उसे बिल्कुल भी आ, पेंडिंग ना रहने दें कंप्लीट कर लें फटाफट से जाएं अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन के प्लेलिस्ट सेक्शन में मुस्कान मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्ले आप देखोगे आपको वहां ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे ओके क्योंकि आपको पता ही है भाई कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं है कि इतना टाइम हो गया है या एक दो लेक्चर देख लिए हैं तो पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ जाए भाई मैग्नेट ब्रेन आपको क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व तक हर क्लास हर सब्जेक्ट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा रहा है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है फटाफट से जाओ लेक्चर्स को देखो और प्रिपरेशंस को बिल्कुल साथ-साथ चलाते चलो ताकि हम एट लास्ट एक बढ़िया सा रिजल्ट लेकर आ सके ओके चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे करेंगे क्या इसी चैप्टर का नया टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टिल देन बाय-बाय टेक केयर एवरीवन